स्वागत करते हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं आज की क्लास को। आज हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं प्राइवेट डिफेंस के बारे में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे आईपीसी का जो सेक्शन है, सेक्शन 96 से लेकर के 106 तक हम लोग यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं सेक्शन 96 में क्या दिया। थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। ये एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है वैसे LLB में, फिर भी आप लोग इसको ना सेक्शन वाइज ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। प्राइवेट डिफेंस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 97 में यहाँ पर हम बात करते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। सेक्शन 97 में, सेक्शन 100 में ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 98 में यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 99 में, एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कार जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। एक पॉइंट और इसमें दिया गया है, एक्सटेंड टू विच द राइट मे बी एक्सरसाइज, इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार कहाँ तक है। तो नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 100 में देखेंगे व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, क्या शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का कब होता है, और इसके बारे में सेक्शन 100 में डिस्क्रिप्शन दिया गया। सेक्शन 101 में जरा ध्यान दीजिएगा, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानी कारित करने तक का होता है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 102 में, कमिसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। सेक्शन 103 में, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 104 में, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानी कारित करने तक का कब होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट यहाँ पर, सेक्शन 105 में, कमिसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 106 में, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असल व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म इन इनोसेंट पर्सन, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जब तक कि निर्दोष व्यक्ति को अपहानी होने का जोखिम है। तो ये आपने किसका शॉर्ट व्यू देखा हुआ, चलिए हम सीधे चलते हैं बैरेट पर और वहाँ पर हम लोग यहाँ पर सीधे डिस्कस करेंगे कि किस सेक्शन में क्या क्या दिया हुआ उसके हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर सेक्शन 96 से लेकर के आगे की कंटिन्यू करने के लिए ये बैरेट यहाँ पर ओपन किया है। चलो ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में ये बात कर रहे हैं। सेक्शन आप 96 देख रहे हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, चलो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं यहाँ पर। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है। अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा में कोई भी आपने बात की हुई है, बात का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं आपस में, यहाँ पर इन द सेंस ये है कि कोई भी आप ऐसा कार्य कर देते हैं जो अपराध की श्रेणी में होता है, लेकिन जब वो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा में उसे कर रहे होते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन हम 97 पे यहाँ पर ध्यान देते हैं। सेक्शन 97 में ज़रा ध्यान दीजिएगा, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या, सेक्शन 99 में, अंतर्विष्ट निबंधों के अधीन हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह, क्या अधिकार है उसको, सेक्शन 97 पढ़ रहा है लेकिन सेक्शन 99 भी इसमें इंक्लूड रहेगा। एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए, आप लोगों को वॉइस आ रही है हमारी? हेलो, हाँ जी, सभी को आ रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लीज़ एक बार थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा। ओके गाइस, चलिए जरा हम ध्यान देते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर बैरेक्ट पर देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सेक्शन 99 भी सेक्शन 97 में इंक्लूड रहेगा। तो कह रहे हैं कि शरीर तथा संपत्ति की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो सेक्शन 99 में अंतर्विष्ट निबंधों के अधीन रहेगा। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह क्या कर सकता है। पहला फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जरा ध्यान देंगे और सेकेंड पॉइंट ये है। तो वेल सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध, कौन से शरीर पर, मानव शरीर पर डालने वाले अपराध के विरुद्ध की बात कर रहे हैं। ठीक है, अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें। यहाँ पर देखिए दो पॉइंट आपको सामने निकल करके आ रहे हैं। सबसे पहले बात की गई कि वो अपने शरीर की सुरक्षा करे और अन्य व्यक्ति के शरीर की भी सुरक्षा कर सकता है। इसमें अगर कोई भी अपराध होता है तो वो अपराध की श्रेणी में काउंट नहीं होगा। अगला देखिए दूसरा जो यहाँ पर पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, ऐसे किसी कार्य के विरुद्ध, जरा ध्यान दीजिएगा, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, जरा ध्यान दीजिएगा, चोरी, लूट, वृष्टि या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है। किस किस में आता है देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, सबसे पहले बात की गई चोरी, दूसरी बात की गई लूट, तीसरी बात की गई रिश्ते, या फोर्थ पॉइंट में बात की गई आपराधिक अतिचार। तो ये चार पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इन चारों पॉइंटों में से कोई भी एक का यहाँ पर अगर हम डिस्कशन करते हैं तो या तो वो चोरी कर रहा हो, दूसरा लूट कर रहा हो, तीसरा रिश्ते से रिलेटेड हो, चौथा आपराधिक अतिचार की परिभाषा में आने वाला कोई भी अपराध है, या जो चोरी लूट वृष्टि या अपराध का विचार करने का प्रयत्न भी करता है तो भी। देखिए एक तो सीधा सी बात की है कि या तो अपराध करे या दूसरा बात करे कि कोई प्रयत्न करे अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे वह जंगम संपत्ति हो चाहे वो स्थावर संपत्ति की, वो प्रतिरक्षा करे। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर ऐसा कोई अपराध भी कर देता है तो उस श्रेणी में इसे अपराध की श्रेणी में काउंट नहीं किया जाएगा। आप देखें यहाँ पे क्या क्या बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर सेक्शन 97 में शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की हम लोग बात कर रहे थे, जो सेक्शन 99 में के अंडर आएगा। सेक्शन 99 भी हम लोग अभी देख रहे हैं जस्ट एक सेकंड में। अब सबसे पहली बात की गई जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर था, फर्स्ट पॉइंट में कहा गया कि शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध, जो शरीर पर कोई भी प्रभाव डालने वाले हों और किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य के व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा कर सकता है। ठीक, तो इसमें दो पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि शरीर पर डालने वाले हों तो फर्स्ट पॉइंट में अपने शरीर की तो कर ही सकते हैं और दूसरे के शरीर की भी कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बात कर रहे हैं। ये जो दूसरा पॉइंट है इसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति जो अपराध कार्य करे, या तो वो करे चोरी से, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे हैं लूट की, और थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं रिस्टी की, और फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर आपराधिक अतिचार। इसमें कोई भी अपराध या तो करता है या फिर इन्हीं अपराधों को, जो आपने एक दो तीन चार जो अपराध थे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये चारों जो अपराध हैं इन चारों का कोई प्रयत्न भी अगर करता है तो भी इसके करने में कर सकते हैं। कौन सी संपत्ति, संपत्ति की अगर हम यहाँ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो चाहे वो जंगम संपत्ति हो चाहे वो स्थावर संपत्ति। तो जंगम और स्थावर संपत्ति आप वैसे दोनों जानते हैं, जंगम संपत्ति जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, स्थावर प्रॉपर्टी जो एक जगह स्टेबल रहने वाली जो कोई भी प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग स्थावर संपत्ति कह सकते हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन सब की प्रतिरक्षा में कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है और वो अपराध इन्हीं को बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ऐसा नहीं कि किसी से बदला लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अलग से तैयारी कर दी उसके और उसको कर लिया, तो वो इसमें काउंट नहीं होते हैं। यहाँ पर काउंट करने का मतलब है कि जब इनकी सुरक्षा से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है और कोई व्यक्ति किसी शरीर की सुरक्षा करता है, अपने शरीर की या किसी दूसरे के शरीर की सुरक्षा भी करता है, तब भी ऐसा माना जाएगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, ये प्राइवेट प्रतिरक्षा में कर सकते हैं। अब सेक्शन 99 की तरफ हम लोग चलते हैं, फिर 98 को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 99 को थोड़ा सा देख लेते हैं कि 99 में क्या दिया हुआ। 99 का छोटा सा इसमें वो दिया है तो एक बार देखेंगे हम लोग क्या देखें। कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर जब ऐसे बात कर रहे थे कि ऐसे कौन से कार्य होंगे जिनमें
प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। तो वो कौन से होंगे, देखें यहाँ सेक्शन 99 में, क्योंकि इसका जिक्र सबसे पहले उन्होंने 97 में भी कर दिया इसको, इसलिए इसको पढ़ना अभी यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरी हो रहा है। कि अगर आप सेक्शन 97 में यहाँ पर देखेंगे तो उसने कहा है कि सेक्शन 99 के निबंधों के अध्ययन कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है उनको खो देंगे, बाकी में आप ऐसा कर सकते हैं। तो कौन कौन से होंगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी। कार जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, यदि किसी कोई कार है, तो ध्यान दीजिए, यदि कोई कार जिससे मृत्यु या घोर उपति की आशंका युक्त रूप से कार्यरत तो नहीं होती है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति की ना तो मृत्यु हो सकती है और ना ही यहाँ पर घोर उपति की कोई भी आशंका भी नहीं नज़र आ रही है, तो वहाँ पर कोई भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जनरेट नहीं होता और कोई भी व्यक्ति इसके लिए काम नहीं कर सकता। अब चलिए ज़रा नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। सद्भाव पूर्वक अपने पदावास में कार्य करते हुए किसी लोक सेवक द्वारा किया जाता है या कोई भी ऐसा कार्य जो किसी लोक सेवक के द्वारा किया जाता है, पर वो लोक सेवक के द्वारा कैसा किया जाए, अपने पदभार के उसमें, जैसे किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो वो कर सकता है, तो यहाँ उससे शरीर की सुरक्षा की बात नहीं कर सकते। तो ये आप कुल मिलाकर के इसको मान लीजिए कि जो सेक्शन 99 है वो एक्सेप्शन के रूप में भी कार्य कर रहा होता है सेक्शन 97 के अगेंस्ट में। और जहाँ पर मृत्यु या घोरोपति की आशंका नहीं है वहाँ पर भी अगर आप ऐसे करते हैं तो भी ऐसा मान लिया जाता है। अगर कोई सद्भाव पूर्वक कोई कार्य करता है और वो अपने पद के आभास में, मतलब पद का जो कार्य है, पुलिस का जैसे कोई कर्तव्य होता है कि किसी अपराधी को अरेस्ट करना, तो ये नहीं कि आप वहाँ अपनी भी सुरक्षा कर रहे हैं और दूसरे वो जो पुलिस पकड़ के ले जा रही थी उसकी सुरक्षा करने में भी लेटर लेके पहुँच गए, नहीं कि देखो कैसे ले जाते हो, तो वहाँ ये काम नहीं हो सकता। यहाँ पर लोक सेवक के लिए भी प्रोटेक्शन किया गया है। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें, या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है तो उस कार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर जो पदाभास में कोई कार्य करता है, कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है और उस ड्यूटी के दौरान में अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए कोई भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। अगर तुम्हें लग रहा, भाई तुम्हें लग रहा है कि विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत नहीं है, फिर भी तो अगर कोई अपने पद के आभास में कोई कार्य कर रहा है, भले ही वो गलत कार्य कर रहा हो, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाएगा कि उसके अगेंस्ट में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। आप तुरंत उस पर कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट जा सकते हैं, इसके लिए राइट्स बने हुए, वहाँ से आप उसके लिए काम कर सकते हैं। तो चलिए ज़रा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर देखिए पहले फर्स्ट कि जहाँ पर मृत्यु और घोर उपति की आशंका नहीं है, दूसरी बात कोई भी व्यक्ति जो लोक सेवक है और वो अपना कार्य कर रहा है तो उस ड्यूरेशन में भी उसे नहीं रोका जा सकता। अगली जरा ध्यान दीजिए का नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपति की आशंका युक्तिक रूप में कार्यरत नहीं होती है, ठीक, कोई भी कार्य कर रहा है जिसमें मृत्यु या घोर उपति नहीं हो सकती है, वहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा की अभी हम बात नहीं करेंगे, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है। अगर कोई लोक सेवक है और वो किसी को निर्देश देता है कि आपको ये जो कार्य है ये करना है और जिससे घोर उपति की कोई आशंका भी नहीं होती है, मृत्यु की भी कोई आशंका नहीं होती है, या किए जाने का कोई प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ पर कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को आदेश देता है कि आप इसे पकड़ लो, तो ये नहीं कि आप उसको मारने लग जाओ, उसको पीटने लग जाओ, तो बिल्कुल यहाँ पर लोक सेवक के लिए ये सेक्शन 97 पर अधिभावी होती है। देखिए, चाहे वह निर्देश विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो, तब भी इसमें आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? हेलो, यस सर, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पे आ गए। हाँ जी, अगर देखिए कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कत है, तो आप मुझे यहाँ पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए आप ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए उन दशाओं को क्या कह रहे हैं, उन दशाओं में जिसमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। इस लाइन को भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग।
इसमें क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है जरा ध्यान दीजिए, अगर जहाँ पर ऐसे भी किया जाता कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा करना चाहता है, देखिए उन दशाओं में, कौन किन दशाओं में जिसमें संरक्षा यानी कि सुरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, वहाँ प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई भी ऐसी घटना होती तो सबसे पहले आपको लोक अधिकारी कौन होंगे, अगर कोई अपराध कर रहा है तो अपराध से संबंधित आपको पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना चाहिए और पुलिस के सहायता ले सकते हो, तो आप वहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा ना करें, तो यहाँ पर आपको कोई अधिकार नहीं है। ये लाइन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक सेकंड रुकिएगा, इस कहाँ से देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ से ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये सीधा सीधा सा बन रहा है और 100% लगभग लगभग यहाँ से पूछा ही जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको बना दीजिए। देखिए क्वेश्चन इधर उधर कहीं किया जा सकता है, पर सेक्शन 99 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाना कंपलसरी है कि अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा का यहाँ पे पॉइंट लिया जाएगा तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक क्वेश्चन और क्या बनता है कि किन चीज़ों में जहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं हो, जहाँ पर मृत्यु या घोर उपपत्ति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कार्यत नहीं होती है, वहाँ पर भी आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। कहाँ पर? ये जहाँ, ठीक है। दूसरा, कोई अपने सद्भाव पूर्वक अपने पदावास में कार्य करते हुए कोई लोक सेवक है, और वो भी अगर कोई कार्य करता स्वयं करता है, किसी को निर्देश देता है, उस कंडीशन में भी नहीं है। आप आगे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कि इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार कहाँ तक है, तो इसके विस्तार की हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार कहाँ तक है, देखिए यहाँ पर किसी दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक, अपहानि करने पर नहीं है, उतनी अपहानि से अधिक नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन करने से प्रयोजन से करनी आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर जहाँ भी लिखा जाएगा, जनरली सीधे सीधे लिखा जाएगा, तो सेक्शन 99 का अगर हम यहाँ पर देखें तो सेक्शन 99 यही बोल रहा है। देखिए क्या बोला है यहाँ पर, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, पॉइंट इसके समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा कितनी कर सकता है, जैसे कोई आपको डंडे से मारने आ रहा है, तो उस डंडे को रोकने के लिए आपको कितने बल की आवश्यकता होगी, उतना ही बल आप उस समय यूज़ करेंगे, उससे अत्यधिक नहीं। कि वो आपको हाथ से चांटा मारने की कोशिश की, आपने उठाई तलवार, उसकी गर्दन काट दी, तो क्या ये प्राइवेट प्रतिरक्षा है? नहीं, ये सीधी सीधी से मानव वध में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आप अगर आपने सोच समझ के किया तो हत्या में चेंज हो जाएगा, और अगर वो आपको सडनली प्रोवोकेशन दे रहा है, उस कंडीशन में आपने ऐसे कर दिया कि वो आपको चांटा मारने आ रहा, आपने तलवार से उसकी गर्दन काट दी, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का मतलब केवल इतना सा कि आप इतना बल यूज़ कर सकते हैं जितना उसको जो अपराध होने के लिए रोकने के लिए आवश्यक हो। तो कहाँ लिखा है ये यहाँ पर इसके विस्तार के प्रयोग की बात कर रहे हैं। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट स्पष्टीकरण नंबर अगर हम फर्स्ट को थोड़ा सा देखें, तो स्पष्टीकरण नंबर फर्स्ट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए गए या किए जाने के लिए प्रयत्त कार्य के लिए कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता, जब तक कि वह यह ना जानता हो या विश्वास करने का कारण ना रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति लोक सेवक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर वो ये जानता कि लोक सेवक है, तब तो उसे कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ही नहीं है, और अगर उसे यहाँ पर ये पता चल जाए कि वो लोक सेवक नहीं है, तो बिल्कुल उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कह रहे हैं स्पष्टीकरण नंबर फर्स्ट में, कोई व्यक्ति किसी लोक सेवा द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए जाने के लिए प्रायतित कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता, तो वो केवल इस बात के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा से वंचित नहीं होगा जब तक वह यह ना जानता हो या विश्वास करने का कारण ना रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति लोक सेवक है। अगर उसे ये पता है कि लोक सेवक है, तो उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, और उसे पता नहीं है कि ये लोक सेवक है, तो बिल्कुल उससे वैसे ही अधिकार है जैसे प्राइवेट व्यक्तियों के प्रति अधिकार होता है। चलिए नेक्स्ट स्पष्टीकरण में जरा ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित एक केस देखा हुआ था
रात को सिविल ड्रेस में स्पष्ट का नंबर फर्स्ट में जरा देखेंगे, इसके बारे में बताना चाहूँगा क्या था कि एक बार पुलिस ऑफिसर जो थे उन लोगों ने रात को किसी के घर में जा कर के छापा डाला वहाँ पर, और उस छापे में उन्होंने एक चीज़ किया कि उन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया और सीधे घर में कूद गए। उस समय उसके यहाँ उसके रिश्तेदार आए हुए थे, तो कुल मिला के वो 8-10 लोग थे। पूरी पुलिस टीम की ज़बरदस्त धुलाई की गई, ये सब सिविल ड्रेस में थे, ये खूब चला रहे मैं पुलिस हूँ मैं पुलिस हूँ, उन लोगों ने नहीं सुना। हालांकि हो सकता है सुन भी लिया हो, लेकिन उन्होंने समझा कि डकैत हैं, डकैतों के धोखे में उन्होंने मारना शुरू कर दिया। तो ये स्पष्टीकरण जो फर्स्ट आप देख रहे हो ये इसी से रिलेटेड है। तो यही बात हम बोल रहे हैं कि अगर विश्वास करने का कारण ना रखता हो कि उसको करने वाला कोई लोक सेवक है, तो फिर क्या है यहाँ पर लोक सेवक के नाते वो ऐसे किए गए किए जाने के लिए प्रेरित हो सकता है, और यहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता है। देखिए सीधे सी यहाँ पर अगर ऐसी कहीं सिचुएशन होती तो बिल्कुल, तो जब उन पर केस चलाया गया तो कोर्ट से करीब 4-5 साल के बाद जब केस फाइनल हुआ तब उन्हें क्या बोलते हैं बाइज्जत बरी करना, यानी कि उन्हें बरी कर दिया गया वहाँ से। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उनके लिए ये साबित वो पुलिस नहीं कर पाई कि उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी, बोले आप ड्रेस में क्यों नहीं गए, आपको ड्रेस में जाना चाहिए था, और जब व्यक्ति ड्रेस में आप नहीं जा रहे तो स्वाभाविक उनको सपने थोड़ी ना आ रहे कि आप पुलिस हो क्या हो, और सीधे सीधे आप जुआ पकड़ने के किसी ने इन्फॉर्मेशन दी होगी कि यहाँ पे इनके यहाँ रात को जुआ खिलवाया जाता है, और जुआ को पकड़ने के चक्कर में वो उनके घर में कूद रहे। तो पहले से इन्फॉर्मेशन होती है और वहाँ जाने के लिए भाई पुलिस की गाड़ी और वो सारी चीज़ें आपको खड़ी करनी चाहिए, जिससे लोगों को ये समझ आ जाए कि हाँ भाई पुलिस यहाँ पर छापा डाल रही है। अब आपने एकदम से छापा डाला तो पिटने विटने वाला काम तो हो सकता है। तो कोर्ट ने उन्हें इस चीज़ के लिए माफ़ कर दिया कि साहब हमारे घर में तो रिश्तेदार आए हुए थे, हमें तो कुछ पता नहीं था, और इन लोगों ने आकर के रात को घर में कूद गए, इस वजह से ऐसा हुआ। तो ये इसके लिए उन्हें थोड़ा सा माफ़ कर दिया गया, कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया उस केस में, और प्राइवेट प्रतिरक्षा का यहाँ पर उनको फ़ायदा दिला। अब जरा ध्यान दीजिएगा स्पष्टीकरण नंबर सेकंड की तरफ हम लोग चल रहे हैं, जरा सेकंड में जरा ध्यान दीजिएगा स्पष्टीकरण नंबर सेकंड। कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए या किए जाने के लिए प्रयत्त किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता, जब तक कि वह यह ना जानता हो या विश्वास करने का कारण ना रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश से कार्य कर रहा है। तो उसको ये पता होना चाहिए कि भाई किसके निर्देश से कार्य कर रहा है। अभी तक तो वो यहीं बगल में ही घूमता रहता था, अब अचानक से किसी लोक सेवक द्वारा उसे कोई एजेंट नियुक्त कर दिया गया है कुछ भी, तो उसको बताना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी कि भाई वो एक लोक सेवक के निर्देश पर कार्य कर रहा है, तो फिर वो आराम से कर सकता है, उसके लिए फिर वो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। और अगर वो नहीं बताता तो बिल्कुल वो जिस व्यक्ति को अरेस्ट करने गया है जिस व्यक्ति को पकड़ने गया है तो बिल्कुल वो प्राइवेट प्रतिरक्षा अपनी कर सकता है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब तक कि वह उस प्राधिकार का कथन ना कर दे जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, तो उसका कथन करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि भाई मैं किस आदेश के तहत कार्य कर रहा हूँ, या यदि उसके पास लिखित प्राधिकार है जो जब तक कि वह ऐसे प्राधिकार को मांगे जाने पर पेश ना कर दे। तो ये जनरल स्पष्टीकरण नंबर 2 आप यहाँ पर देख रहे थे। क्लियर हो गया गाइस सभी को, सेक्शन 99 समझ में आ गया? चलो अब यहाँ सेक्शन 97 को जब आप पढ़ेंगे तो अब आपको क्लियर होगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 99 के अधीन रहते हुए इसमें अंतर्विष्ट निबंधों के अध्याधीन हर व्यक्ति को अधिकार है, तो सेक्शन 99 इंक्लूड रहेगा इसमें। क्या क्या अधिकार है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई लोक सेवा कर रहा है या जहाँ पर ऐसे आशंका ना हो मृत्यु और कोई भी ऐसा, तो उसके उसमें अगेंस्ट में नहीं कर सकता यहाँ पर, ठीक है। तो सेक्शन 99 को इसमें इंक्लूड कर दिया कि अगर ये टर्म्स कंडीशन है तो नहीं कर सकता, वैसे तो है अधिकार। वहीं से हम यहाँ सेकेंड नंबर पॉइंट पर भी बात की गई, कोई व्यक्ति जो चोरी लूट रिश्ते या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला कोई अपराध कर रहा है तो उसके लिए भी वो कर सकता है, लेकिन कब? लोक सेवक के विरुद्ध नहीं है, उसके निर्देश पर कार्य किया जा रहा करने वाला कोई व्यक्ति तो उसके विरुद्ध भी इसे प्राप्त नहीं है, प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात कर रहा है। क्लियर हो गया गाइस ये तो सभी को? चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 99 98 पर ध्यान दीजिए।
सेक्शन 98 क्या कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत हो, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत हो। अब अगर कोई पागल व्यक्ति अपने को मारने लग जाए तो हम और आप क्या करेंगे, उसको रोकने का प्रयत्न करेंगे, कितना जितना वो समझ रहा है पागल आदमी है तो क्या करेंगे, जितना वो अपराध करने वाला है मुझे डंडे से मारने वाला तो मैं उसको डंडे को रोकने का जितना संभवता होगा उसको रोकने के लिए उतना ही बल यूज़ करूँगा। ये कहाँ पर लिखा था, सेक्शन जो 99 में आपने पढ़ा था वहाँ पर। चलिए आप ज़रा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। जबकि ऐसे कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, कोई भी अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के पागलपन सॉरी बालकपन या फिर समझ की परिपक्वता के अभाव में, दो पॉइंट हो गए, एक तो ये क्या हो गया बालकपन की बात कर रहे हैं और दूसरा समझ की परिपक्वता के अभाव में। फिर यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग चित्त विकृति या मत्तता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध करने की दिशा में करता। तो कैसे करता, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति अगर उसे कोई मार रहा तो आप कैसे ट्रीट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ए नाम का एक व्यक्ति है जो कि पागल है, ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिए, और वो जेड नाम के व्यक्ति को मार रहा है, तो जेड को प्रतिरक्षा कैसे करनी चाहिए, ऐसे प्रतिरक्षा करना चाहिए कि ए बिल्कुल स्वस्थित व्यक्ति है और ए जेड को मारता तो जेड क्या करता, उसको रोकने के लिए उतना ही प्रयत्न करता, तो बिल्कुल पागल होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर पागल जेड की डेथ कर दे तो पागल पर केस नहीं चलाया जा सकता, ये तो हो सकता, लेकिन जेड को तो अपना पूरा बचाव का अधिकार है ना, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। तो ये बात यहीं पर इतना ही बोल रहा है, जरा ध्यान दीजिए, इसका हम इलस्ट्रेशन समझते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, या पागलपन के असर में, या नाम का व्यक्ति जो पागल हो गया, का को जान से मारने का प्रयत्न करता है, और का नाम का व्यक्ति जिसको जान से मारने का प्रयत्न करता है, तो या किसी अपराध का दोषी नहीं है यहाँ पर, या देखो पागलपन के असर में उसको तो पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, तो वो इसका दोषी नहीं है, किंतु का को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह या के स्वस्थित होने की दशा में करता, तो बिल्कुल कितना प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, जैसे कि वो ये मानता कि या बिल्कुल स्वस्थ है और वो उसको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा, तो उसे रोकने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा करने के लिए जितने बल की आवश्यकता है उतना बल वो यूज़ कर सकता है। इतना क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर, थोड़ा सा बता दिए अगर आप लोग बताते हैं। अच्छा, अगर सामने कोरोना हो, एक कोरोना और फिर दूसरा कोरोना, और ये दोनों आपस में लड़ जाएं, तो फिर क्या होगा, किसी को पता है? एक लेटेस्ट न्यूज़ आप लोगों को सुनाता हूँ, देखो जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई उसको कोरोना हो गया, तो वो चारों तरफ से घूमने लगा। चारों तरफ घूमने का मतलब समझ गए, इधर उधर लोगों से। तो कह रहा है, बोले आप क्यों इधर घूम रहे हो, आपको पता है कि कोरोना हो जाएगा? बोले हाँ, मुझे तो पता है, मैं भी ऐसा आदमी ढूंढ रहा हूँ जिसको कोरोना हो गया हो। बोले उससे क्या फ़ायदा होगा? बोले अपने कोरोना को उसके कोरोना से लड़वा दूंगा, अपने वाले को हरवा दूंगा, बस खेल ख़त्म, तो वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो बोले ऐसा भी किया जा सकता है। आज मैंने ये सुबह सुबह जोक सुना था, किसी ने मुझे सुनाया था। तो अपने वाले कोरोना को हरवाना हो तो दूसरे वाले कोरोना से ढूंढना पड़ेगा। अच्छा चलिए, ज़रा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट खा नंबर पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं। का रात्रि में, का नाम का एक व्यक्ति है जो रात्रि में एक ऐसे ग्रह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वैध रूप से हकदार है।
ध्यान दीजिए, का रात्रि में एक ऐसे ग्रह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है, या सद्भाव पूर्वक का को ग्रह भेदक समझकर का पर आक्रमण करता है। यहाँ या पर भ्रम के अधीन का पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता है, किंतु या के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता जब उस भ्रम के अधीन कार्य ना करता। बात समझ में आ गई? तो जो व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए, कौन सा व्यक्ति अधिकार रखता है, ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, जनरली आपने देखा है जैसे हम और आप कहीं जैसे बाहर चले जाते हैं, बाहर का मतलब आउट ऑफ सिटी, और सर वॉइस नहीं आ रही है सर, म्यूट हो गया सर। आवाज नहीं आ रही सर। स्काइप से ही म्यूट हो गया सर। म्यूट हो गया है भाई, आवाज तो आ रही थी। हेलो, अभी बताओ आवाज आ रही सभी को? यस सर। यस सर। हाँ, ये म्यूट हो गया था, हमने सोचा आवाज ही नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ हो गई। अभी ठीक है, क्लियर है सभी को? अच्छा सुनिए, आप जरा ध्यान दीजिए। जैसे कोई भी व्यक्ति जो बाहर जा रहा है, जनरली अगर नाइट में वो वापस आता है रात को, और रात में आने के बाद वो घर जाए, तो जनरली देखा ना रात में ऑटो वाले शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग समझते हो, मतलब एक दूसरे व्यक्ति को बिठा लेते हैं बीच रास्ते में। तो उसने कहा भाई 100 रुपये लगते हैं, आप 50 दीजिएगा, 50 मैं इनसे ले लूँगा, 50-50 करके दो लोगों को मैं छोड़ दूँगा, ऐसा कर लिया। तो उसने कहा साहब मैं घर पर नहीं जा पाऊँगा आपको, मैं यहीं रोड पे छोड़ देता हूँ। बोले ठीक है रोड पे। अब ये व्यक्ति जब घर पहुँचे, तो पहले कभी मोबाइल तो होते नहीं थे, तो उन्होंने गेट खटखटाया, किसी ने नहीं सुना, तो उन्होंने क्या किया, बाउंड्री से जंप लगा दी अंदर, और जैसे ही वो अंदर गए तो आवाज़ आई ज़ोर से धम। तो पहले गेट पे कोई सुन नहीं रहा था, और जैसे ही आवाज़ आई धम की, तो लोगों को लगा कि चोर आ गया अंदर। और सोचिए कि उनका लड़का जगा, उसने डंडा छुपा के रख लिया, तो जैसे ही गेट खुलेगा वैसे ही मैं दूंगा। उन्होंने जैसे ही गेट खोला कि सर में दिया, एक में ही बेहोश। इसके बाद पता चला कि साहब चोर नहीं, यहाँ पर पिताश्री आए थे वापस घर। तो कई बार ऐसी सिचुएशन, ऐसी घटनाएं हो जाती है। एक डीडी नगर की ये रियल घटना है, और वो ऑटो करके बेचारे गए हुए थे, जब हॉस्पिटल पहुँचे सवेरे इलाज करवाते मिले, तो पता चला कि उनके बेटे ने उनके सर पर डंडा मार दिया, और कैसे बोले चोर समझ करके डंडा मारा। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, जो उनका बेटा था, तो बेटे के प्रति पिताजी को वही अधिकार प्राइवेट प्रतिरक्षा का था कि उस डंडे का रोकने का, कि उतने तक वो रोक सकते थे। तो यहाँ पर भले ही उनके बेटे ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि शरीर और संपत्ति की सुरक्षा में प्राइवेट प्रतिरक्षा उनका भी है और इनका भी हो सकता था। तो ये एक इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं। इसकी तो रियल लाइफ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को आपको मिलती हैं। इतना क्लियर हो गया? सेक्शन 99 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब चलिए जल्दी से सेक्शन 100 पर। तो सेक्शन 100 की तरफ हम लोग चलना, जरा ध्यान दीजिएगा। आवाज़ आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। सेक्शन 100 में जरा देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे। एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन, ये इतने सारे अपने को पढ़ने हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग एक एक पॉइंट्स को।
100 में हम पढ़ रहे हैं कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है? क्या जो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है क्या वास्तविक में वो मृत्यु कारित करने तक होता है? तो मृत्यु कारित करने तक कब होता है जरा यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग। बात करें कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निबंधनों के अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ती धाराएं कौन कौन सी धाराएं हम लोग पढ़ चुके हैं, सेक्शन 96, 97, 98 और 99, इन सब के निबंधनों में रहते हुए, मतलब जितने हमने पढ़े हैं सबको एप्लीकेबल इसमें कर देते हैं। उसके बाद की हम आगे की बात कर रहे हैं, यदि हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अनापानी कारित करने तक, यदि वह अपराध जिसके कारण या उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है एतिस्मन पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है, अर्थात कौन कौन सा है, तो यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे। देखो, पहला, ऐसा हमला जिसे युक्त रूप से या आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगी, ये वाला पॉइंट ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो व्यक्ति क्या कर सकता है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है, तो कब वो मृत्यु कारित कर सकता है, जब उसको सेल्फ लगे कि ये व्यक्ति मेरी डेथ कर देगा, तो डेथ की कंडीशन में वो ऐसा कर सकता है। इतना क्लियर हो गया सभी को? देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, मृत्यु के बदले में मृत्यु आप कर सकते हैं ऐसा, तो आप सभी जो भी अपराध करता है ये हम लोग उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जो अभियुक्त आते हैं, क्या उसने कब में डेथ की है, बोले शरीर की सुरक्षा करने में या संपत्ति की सुरक्षा करने में, तो यहाँ पर केवल शरीर की हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 100 में, संपत्ति की बात हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 100 में अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो कोई व्यक्ति अगर किसी की डेथ करने के लिए बात कर दे तो यहाँ लग रहा है कि हमलावर है ना वो स्वेच्छा मृत्यु कारित करने कर सकता है, तो फिर बिल्कुल यहाँ उसकी नेक्स्ट पॉइंट पर, सेकेंड नंबर पॉइंट पर ध्यान देते हैं, ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम क्या होगा, घोर उपहति होगी, तो भी क्या कर सकते हैं यहाँ पर, डेथ हो जाए तो ठीक है, और नहीं तो पहले तो यहाँ पर रोकने के लिए ये पॉइंट्स है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें केवल उतना ही बल यूज़ करना जितना उसे रोकने के लिए आवश्यक हो, लेकिन अगर लग रहा है कि मृत्यु कारित करने तक हो सकता है, अगर नहीं किया तो घोर उपहति कारित कर देगा, तो यहाँ पर आप उसकी डेथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ यही कंडीशन है कि मृत्यु कारित कब कर सकते हो, ये पॉइंट्स दिए गए 7, इन 7 पॉइंट्स में से कुछ भी आती तो आप यहाँ पर इसकी डेथ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जरा ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पर, तीसरा, अगर कोई बलात्संग करने के आशय से कोई हमला करता है तो भी यहाँ क्या कर सकते हैं, चल इससे बता दो भाई क्या कर सकते हैं, मृत्यु कारित, ठीक है। अगला जरा, हाँ जी, अगला जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर, फोर्थ नंबर पर, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया कोई भी हमला, तो यहाँ पर ये दोनों ही केसेस में ऐसा कर सकते हैं। ये केस जनरली फीमेल्स के लिए होता है, इस केस में जनरली जो मेल्स होते हैं उनके लिए भी ऐसा किया जा सकता है, और इनमें आप ऐसा भी मान सकते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए भी इंक्लूड किया जा सकता है। अगला जरा नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, व्यापरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला, यहाँ पर ज़रा ध्यान देना, दो ऑफेंस को इंक्लूड कर दिया इन्होंने, कौन कौन से हैं, एक तो व्यापरण की बात की गई और दूसरा यहाँ पर अपहरण की बात की गई, तो अगर कोई ऐसा करने का कोई हमला करता है अगर इसके लिए, तो भी क्या कर सकते हैं, इस केस में भी आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। अगला जरा नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, सिक्स नंबर पॉइंट पर, तो सिक्स नंबर पॉइंट पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, हाँ जी देखिए ये आप सिक्स नंबर पॉइंट पढ़ रहे हैं, और सिक्स में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष प्ररोध किया जाए, क्या किया जाए, सदोष प्ररोध, जिनसे उससे युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि
वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। ध्यान देना, ये बात 7वां नंबर का पॉइंट जो है इस पर थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान देना है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए 6 नंबर पॉइंट्स पर, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध, परिरोध मतलब उसे बंद करना, किडनैपिंग भी आप बोल सकते हो यहाँ पर, सदोष परिरोध का मतलब कि ऐसा लग रहा है किसी व्यक्ति को यहाँ किसी जगह परिरोध किया जा सकता है, उसको बंद किया जा सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में उसको ये भी लग रहा है कि लोक प्राधिकारियों की वो सहायता प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसको ये बिल्कुल होना चाहिए कि क्या लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त की जा सकती है। और जब उसको लग रहा है कि लोक प्राधिकारियों की यहाँ पर सहायता प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो ही ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति की क्या कर सकता है, जल्दी से बता दो, परिणाम आपको पता है क्या कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? चलो 7 नंबर पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये आप 7 नंबर पॉइंट पढ़ रहे हैं, 7 नंबर पॉइंट पर एक बार नज़र डालते हैं हम लोग। अम्ल फेंकने या देने का कृत्य, या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना, या तो देखो अम्ल फेंकने या अम्ल का मतलब जानते हो एसिड अटैक जिसको बोलते हैं, वो या तो फेंकने का कर रहा है या देने का कोई कृत्य कर रहा है, या पर यहाँ पर प्रयास कर रहा है, और जिससे क्या हो रहा है, युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित होने हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम अन्यथा घोर उपाधि कारित होगी। कैसी होगी? घोर उपाधि। अब किसी के ऊपर एसिड फेंकोगे तो स्वाभाविक है कि उसके ऊपर घोर उपाधि हो सकती है। जैसे लक्ष्मी जी का आपने केस सुना हो, और भी कई लोगों के केस आए हैं, जैसे जिन्होंने एसिड अटैक के जो हमले हुए हैं उन कंडीशनों में, तो बिल्कुल अगर कोई ऐसा प्रयत्न भी करता है, ऐसा कोई कृत्य भी करता है, तो कोर्ट में जब जाएंगे तब जाएंगे। फिलहाल तो यहाँ पर उसको पनिशमेंट के तौर पर जो पीड़ित व्यक्ति है वो यहाँ पर क्या कर सकता है, सबसे पहली चीज़ देखिए इम्पोर्टेंट, ये 7 पॉइंट अलग से ऐड किया गया था, इसमें सीधे सीधे मृत्यु कार्य तक किया जा सकता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया सभी को? हेलो, यस सर। लोग हो कि चले गए, कहीं पर ही हो? अच्छा तो ठीक है, थोड़ा सा बता दिया करो भैया, आप लोग बोलते नहीं हो तो फिर मेरा मन नहीं लगता है ना। ये देखो मैंने अपने को कैसे जाल के भीतर बंद कर लिया, देखना इधर, ऐसा लग रहा है ना अपन लोग जाल के अंदर बंद हो गए हैं, है ना। ठीक है, अच्छा ये बताओ आज ये हमारा ये बैनर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना ये पीछे वाला? यस सर। यस सर। अच्छा लगा? नहीं लगा, रुको एक मिनट, ये कंचन मैडम आ जाती है बार बार, इनको इतनी बार मना करते हैं मानते नहीं है, ये देखो फिर आ गई हैं, मेरा तो दिखाई नहीं पाते फोटो, आप लोगों की दिखती है, कहीं कंचन मैडम की दिख जाएगी, कहीं एस एम एस मैडम की दिख जाएगी, है ना। ये देखो मेरा इधर ही रहता है, तो इसको ये बीच में आते नहीं है। चलो खैर कोई बात नहीं, हम नहीं आते तो नहीं आने, कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है, अब ऐसे ना इसके पीछे ये क्लियर दिखता है क्या आप लोगों को? यस सर। बेटा सही, ये सही दिखता है ना, पीछे का बैकग्राउंड सही दिखता है? यस सर। चलो हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। हाँ मैंने बहुत मुश्किल से बना पाया इसको। और कंचन मैडम देखो ये केवल के जे लिख करके बीच में, पता नहीं कैसे बीच में आ जाते, मेरा नहीं रहता ये, हमको अलग से दिखाना पड़ता है ऐसे करके, देखो अरे नहीं आ रहा था, ये क्या हुआ? ये देखो, खैर चलो कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले थे, सेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे 100 का, 100 सभी को क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है गाइस, जल्दी से बता दो कोई डाउट? ये सब क्लियर है। क्लियर है, चलो तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा ये देखो एक चीज आपको छोटी सी क्लियर करना चाहूंगा, क्या लिखा हुआ जल्दी से पढ़ के बता दो, 2013 के अधिनियम संख्या 13 की धारा 2 द्वारा अंतर स्थापित किया गया, क्या अंतर स्थापित किया गया सेक्शन 100 में, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से। ये रहा, पहले जो एसिड अटैक के मामले थे वो बढ़ते ही जा रहे थे, फिर 2013 में सीधा सा अमेंडमेंट जो क्रिमिनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें इसको ऐड कर दिया गया अलग से। ठीक, चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। सेक्शन 101 में जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सेक्शन 101 में आप देखेंगे तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से कोई अपहानिकारित करने तक का है। देखो पहले तो बात की गई कि अगर कोई 7 जो पॉइंट्स थे सेक्शन 100 में, अगर उनमें से कोई भी कोई ऑफेंस करता है ये
सेवन पॉइंट्स के, तो व्यक्ति को क्या दिया जा सकता है, बिल्कुल वहाँ तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है कि उसकी डेथ भी की जा सकती है। कहाँ तक की डेथ की जा सकती है, देखो फर्स्ट पॉइंट की बात की गई थी, सेकंड पॉइंट की बात की गई थी, तीसरा और चौथा पॉइंट, पांचवा और छठवा और सातवां। तो आप ऐसे सात पॉइंट बस याद कर लीजिए, सातवें पॉइंट और फर्स्ट में आप कर लीजिए। अगर किसी की मृत्यु करने की कोई कोशिश करता है, घोरोपति करने की कोशिश करता है, या कोई बालात्संग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, या फिर प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की पूर्ति के लिए करता है, या फिर कोई अपहरण या व्यापहरण करता है ऐसी कंडीशन में, और यहाँ पर सदोष कोई प्रतिरोध करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, या कोई एसिड अटैक वाला मैटर आता है, तो ये इसमें सेवन पॉइंट है, आप इनको ऐसे करते हैं। अगर इनमें से ये वाले पॉइंट्स नहीं हैं, अगर ये वाले अपराध ना हो, तो सेक्शन 101 के अकॉर्डिंग टर्म्स कंडीशन में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपानी कारित करने तक का होता है, कब ऐसे जो अधिकार होगा कि जिसमें मृत्यु नहीं करेंगे लेकिन बाकी की प्राइवेट प्रतिरक्षा में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन 99 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके निबंधों के अधीन रहते हुए उन लोगों से उनके प्रति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। अब देखें जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से इसको हम लोग पढ़ते हैं, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपानी कारित करने तक का होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है, मतलब ऊपर जो 100 हमने पढ़ा हुआ है उसमें से नहीं है, सेवन पॉइंट्स जो दिए गए हैं, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक का नहीं होता है। किंतु इस अधिकार का विस्तार सेक्शन 99 में वर्णित निबंधनों के अधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानी स्वेच्छा कारित करने तक का होगा। मृत्यु को छोड़ करके बाकी कोई भी अपहानी कर सकते हो, उसका हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो, जरूरत पड़े तो आँख फोड़ दो, नहीं हो तो जीभ निकाल लो, है ना, और भी बहुत सारे काम कर सकते हो, लेकिन उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए, डेथ छोड़ करके बाकी आप उसको कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति ऐसे काम करता है। तब सेक्शन 102 पर जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 102 क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिए, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। शरीर की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है उसका अधिकार कहाँ तक बना रहेगा और प्रारंभ कब से शुरू होगा और कब तक चलता रहेगा, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, छोटा सा अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो अगर जैसे कोई भी व्यक्ति कोई ऑफेंस करता है, मान लो कोई भी व्यक्ति करता है, तो वो क्या करेगा, हाँ ये ठीक है, अरे ऐसे भी हो जाता है, मुझे पता ही नहीं था, अरे वाह गुड, ये तो बड़ा अच्छी बात है। अच्छा इसको कॉपी भी कर सकते हैं? कॉपी नहीं कर सकते। चलिए जरा ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा ऑफेंस करता है तो उस ऑफेंस के लिए कैसे हो सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 102, प्रारंभ कब होगा और कब तक बना रहेगा। तो प्रारंभ का मतलब जैसे कोई व्यक्ति अगर ऑफेंस करना शुरू करता है, जैसी आशंका होती है वहाँ से शुरू हो जाता है, और कब तक, जब तक उस जो आशंका है ना वो ख़त्म ना हो जाए, अपने को ये ना लगे कि अब हम अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं, तब तक हमारे हम उसके प्रति अपना प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखते हैं। क्लियर है गाइस इतना? आप चलो जरा सेक्शन 102 पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो सेक्शन 102 क्या कह रहे हैं यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 102 में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना, जरा ध्यान दीजिएगा, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है, किस क्षण, जरा ध्यान दीजिए, जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है। तो जैसे ही उसने धमकी दी और शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका शुरू हुई कि हाँ अब हमारे शरीर पर ऐसा नुकसान हो सकता है, तो बिल्कुल वहाँ से ही अधिकार शुरू हो जाता प्राइवेट प्रतिरक्षा का। फिर चाहे वह अपराध किया ना गया हो, भले ही वो ना किया गया हो, और तब तक बना रहता जब तक शरीर से संकट की ऐसी आशंका बनी रहती। बस इसमें दो पॉइंट्स हैं जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो कौन से, एक दो बात की गई थी यहाँ पर, देखिए जहाँ पर जब कोई व्यक्ति धमकी से युक्तियुक्त आशंका पैदा हो जाए, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है कि वह तब तक बना रहता जब तक शरीर में आशंका बनी रहती। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। सेक्शन आप ऑलरेडी याद करके रखिएगा 102,
और 100 का भी वीआईपी है। 100 में मैंने आपको शायद क्वेश्चन नहीं बताया, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए जरा ध्यान दीजिए। ये 7 पॉइंट्स हैं जो आप देख रहे हैं सेक्शन, ये 100 पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट को जो यहाँ पर बात की गई थी मृत्यु की, गौरवपति की, इन में से ये 7 पॉइंट्स में से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेक्शन 103। देखो 10 आपने 100 जो पढ़ा वहाँ पर क्या था, शरीर की सुरक्षा के लिए किसी की डेथ तक कर सकते हैं। कब? वो 7 पॉइंट्स जो बताए गए, तो उसमें आप किसी व्यक्ति की डेथ भी कर देते हैं तो भी वो अपराध की श्रेणी में काउंट नहीं होता। अब हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं 103 की हम लोग बात कर रहे हैं। 103 में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति शरीर की जगह, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसकी, संपत्ति की, कि कब कोई व्यक्ति संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। तो कौन कौन से पॉइंट दिए, ये यहाँ पर नीचे पॉइंट्स दिए गए, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अध्ययन दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानी स्वेच्छा कारित करने तक का है। यदि वह अपराध जिसके किए जाने के या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, 38 पश्चात प्रकृत भांतियों में से किसी भी भांति का है। कौन सी भांति का, जो ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड पॉइंट्स जो दिए गए हैं और भी हैं इसमें नीचे, एक सेकंड देखो फोर्थ नंबर पॉइंट भी है, ये रहा। इनमें से कोई भी अगर आता है तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि ये यहाँ पर संपत्ति की सुरक्षा करते हुए कोई व्यक्ति किसी की डेथ भी कर सकता है। तो एक सेकंड फिर रहा है, जरा इसको हम थोड़ा सा छोटा करना, हाँ ये रहा फोर्थ पॉइंट, दिखाई दे रहा है सभी को, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो फर्स्ट में यहाँ पर बात की गई है, यदि कोई व्यक्ति लूट करता है, दूसरा गृह वेदन करता है रात्रो गृह वेदन, तीसरा पॉइंट्स क्या है, अग्नि द्वारा वृष्टि करता है जो किसी ऐसे निर्माण तंबू या जलयान को की गई हो जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति के अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है, या फिर चौथा है चोरी रिश्ती, ऐसा कोई भी अगर काम करते हैं उस कंडीशन में भी किया जाता है तो भी इन इसमें कोई व्यक्ति की डेथ तक कर सकता है। देखिए एक मिनट रुकिए गाइस, हम इसको यहाँ सेट कर दें। हाँ जी अब देखिए ज़रा, फर्स्ट पॉइंट में बात की गई लूट की, दूसरे पॉइंट में की गई रात्रो गृह वेदन की, तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर अग्नि द्वारा रिश्ते कोई व्यक्ति करता है, और जो ऐसे निर्माण तंबू या जलयान को की गई हो और जो मानव आवास के रूप में उपयोग में लाई जाती हो, या फिर संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता हो। तो इतने पॉइंट्स में अगर कहीं होता है तो बिल्कुल यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए, कौन सी प्राइवेट प्रतिरक्षा, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए, इसका विस्तार कहाँ तक है, मृत्यु कारित करने तक का। तो ये 4 पॉइंट्स हैं इसमें, चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा फोर्थ नंबर पॉइंट ये रहा, देखिए जरा, चोरी वृष्टि किरायातिचार जो ऐसे परिस्थितियों में किया गया है जिनसे इच्छुकित रूप से या आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग ना किया गया तो परिणाम मृत्यु या गौरवपति होगा। तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की डेथ कर सकते हैं अगर इन सिचुएशन में करना पड़े तो। लेकिन देखिए ये कानून में लिखा है लेकिन इतना साबित करने में इसमें बहुत लंबा समय लगता है, तो बिल्कुल भी ऐसी रिस्क ना लें, कोशिश करें कि लोक सेवकों की हेल्प लीजिए। हर व्यक्ति को आपको यही बताना है, समझाना कि वो केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया जा सकता है कि आपको ये पॉइंट्स अगर आते हैं तो उसमें ऐसा कर सकते हैं। सेक्शन 104 में ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक सेकंड गाइस ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 104 में ज़रा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न को या पानी करने तक का कब होता है। जैसे कि आपने 100 और 100 पढ़ा था सेम वैसे ही ये भी है, देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, यदि वह अपराध जिसके किए जाने या किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी
दृष्टि या आपराधिक अतिचार है जो पूर्वगामी धारा पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का ना हो तो उस अधिकार का विस्तार सुरक्षा मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता है, किंतु धारा उसका विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अधीन दोषकर्ता मृत्यु से भिन्न कोई अपानी सुरक्षा कारित करने तक का होता है। अगर ऊपर के जो पॉइंट दिए गए थे, चार पॉइंट जो आपने अभी जस्ट पढ़े हुए यहाँ पर, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और अगला फोर्थ पॉइंट है चोरी वोरी से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर संपत्ति की कोई व्यक्ति ऐसी चोरी ना कर रहा हो और चोरी में साथ साथ में क्या ना हो, परिणाम उसका मृत्यु या घोरोपति ना हो। ऐसा नहीं किसी ने आपका पेन चुरा लिया तो उसकी मर्डर कर दो, इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पर है कि इसका परिणाम या घोर उपति होगा, तो ऐसी सिचुएशन में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं सेक्शन 104 में, कि आपने जो 103 में जो पढ़े हैं पॉइंट्स वो, और धारा 99 में रहते हुए, धारा 99 में जो बढ़ने तो बंधे क्या थे इसमें, कि अगर जहाँ पर मृत्यु या घोर उपति की आशंका ना होती वहाँ किसी व्यक्ति की डेथ नहीं कर सकते, दूसरा किसी को आप हानि नहीं पहुँचा सकते। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि अगर कोई लोक सेवा करता है तो उस पर भी ये लागू नहीं होगा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, बाकी जगह आप कर सकते हैं। अगर कोई 103 में वर्णित धारा में जो पॉइंट्स दिए गए उनमें से उनके अलावा कोई अपराध करता है तो यहाँ पर केवल अपहानि किसी व्यक्ति को कर सकते हैं जितने उसको रोकने के लिए आवश्यक हो, उससे ज़्यादा का नहीं। तो ये सेक्शन 104 आप यहाँ पर पढ़ रहे थे। सेक्शन 105 पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, जरा सेक्शन 105 देखिए क्या कह रहे हैं। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना, जो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा है इसका अधिकार और प्रारंभ कहाँ तक होगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ होती है। जैसे उसकी आशंका प्रारंभ हुई वैसे ही उसकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, और उससे पहले थोड़ा सा मैं आपसे क्लियर कर लूँ, ज़रा आप लोग हैं यहाँ पर, आवाज़ आ रही सभी को क्लियर? यस सर। सभी को क्लियर है ना? बस ठीक है, चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। हाँ जी प्रियंका मैडम, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। ओके, एसएमएस मैडम आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। नहीं आ रही? आ रही है तो ठीक है, चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। संपत्ति की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना कब तक बना रहता है, तो अभी देखिए प्रारंभ तो हो गई, जैसे ही युक्तियुक्त आशंका शुरुआत होती है वैसे ही प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुँच से बाहर हो जाने तक, संपत्ति का देखो कहाँ तक, पहुँच से बाहर हो जाने तक, अथवा या तो लोक प्राधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त कर लेने या फिर संपत्ति का प्रदत्त हो जाने तक बना रहता है। तो इसमें देखिए संपत्ति का जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो कब तक, जब तक चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित अगर वो पहुँच के बाहर हो जाए तो मान लीजिए कि अब यहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा कैसे करोगे। फिर दूसरा, या लोक प्राधिकारी आ गए तो वहाँ तक, और फिर यदि संपत्ति वो छुड़ा ली गई है वहाँ तक, जब तक वो छुड़ा नहीं लेता तब तक वो बना रहेगा। अगला जरा ध्यान दीजिए, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है, जब ध्यान देना लूट के विरुद्ध कब तक बना रहता है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि चोरी के विरुद्ध और लूट के विरुद्ध, ये यहाँ से पॉइंट्स बन रहे हैं, जरा इनको ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सबसे पहले बात की गई चोरी के विरुद्ध अपराधी के, ठीक है, और दूसरा यहाँ बात कर रहे हैं लूट के विरुद्ध, ठीक। अब देखिए क्या कह रहे हैं, जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपति सदोष अवरोध कारित करता रहता है या कारित करने का प्रयत्न करता है, ठीक, और यहाँ पर अगली बात करें कारित करता रहता है या अथवा जब तक तत्काल मृत्यु या तत्काल मृत्यु के बाद में तत्काल उपति का या तत्काल व्यक्तिक अवरोध का भय बना रहता है तब तक के लिए लूट के प्रति भी संपत्ति की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है तब तक वो कंटिन्यू रहेगा। अगला जरा ध्यान दीजिएगा,
संपत्ति की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अतिचार या दृष्टि के विरुद्ध कब तक रहेगा? तो यहाँ पर आपराधिक अतिचार आप देखिए, ये आपराधिक अतिचार और दृष्टि के विरुद्ध। तो पहला देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या था, चोरी के विरुद्ध, फिर लूट के विरुद्ध, तीसरा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपराधिक अतिचार के विरुद्ध। ये जो देखिए फर्स्ट पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट और ये है आपका थर्ड पॉइंट, ठीक। और अगला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा रात्रो गृह भेदन के विरुद्ध, ये हो जाएगा फोर्थ पॉइंट। चलो इसको तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, तो क्या कह रहे हैं कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अतिचार या दृष्टि के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अतिचार या दृष्टि करता रहता है। क्या करता रहता है? आपराधिक अतिचार करता रहेगा या दृष्टि करता रहेगा तब तक उसके विरुद्ध रहेगा। फिर बात की गई संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रात्रो गृह भेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृह भेदन से आरंभ हुआ गृह अतिचार होता रहता, मतलब जब तक ऑफेंस कंटिन्यू रहेगा तब तक यहाँ पर यह अधिकार भी शुरू रहेगा कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा करने के लिए कब तक, इनमें चोरी, लूट के विरुद्ध, आपराधिक अतिचार, रात्रो गृह भेदन, चार पॉइंट हैं ये, इन चारों पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। ओके, आप देखिए सेक्शन 106 की तरफ हम आपको लेके चलना है। सेक्शन 106 पर थोड़ा सा एक बार नज़र डालिएगा, ये सेक्शन 106। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिए क्या करें, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। इसको निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है, तो घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब तक बना रहे, कोई घातक हमला करता है तो। देखिए जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कार्यरत होती है, जिस हमले से भी मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कार्यरत होती है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से ना कर सकता हो तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक का है। तो कब तक है? वो जोखिम उठाने तक। यहाँ पर इलस्ट्रेशन पर ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या करें, का पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है, का नाम का एक व्यक्ति है और एक भीड़ उस पर आक्रमण कर देती है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है, वो भीड़ क्या कर सकती है? उसकी हत्या कर सकती है। दूसरा पॉइंट ज़रा ध्यान दीजिएगा, वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्य साधक के रूप में नहीं कर सकता, तो उसे क्या करना पड़ेगा? भीड़ को रोकने के लिए उसको गोली चलानी पड़ेगी। वह भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे शिशुओं की अपहानि करने की जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता, उसमें छोटे छोटे कुछ शिशु भी हैं। यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन शिशुओं में से किसी शिशु को अपहानि करे तो का कोई अपराध नहीं करता। यहाँ कार ने क्या किया, अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग किया हुआ है जब भीड़ उस पर ऐसा कर दे तो। लेकिन फिर भी वो 99 के पॉइंट्स इसमें इंक्लूड रहेंगे। ये बात सभी को क्लियर हो गई? हेलो गाइस, ये जो इलस्ट्रेशन है यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो इलस्ट्रेशन है ये थोड़ा सा VIP है और इसको ज़रा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कई बार सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछा गया है। IPC के कई आप एग्जाम्स देखेंगे उनमें ये क्वेश्चन आया है। तो अब जब हम लोग ये क्वेश्चन और आंसर की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर तब इसमें आपको ये मिलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सभी को गाइस? किसी को कुछ और पूछना तो नहीं है? तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे यहाँ पर, चैप्टर 5 को, यानी कि दुष्प्रेरण से रिलेटेड की भी हम बात करेंगे यहाँ पर, दुष्प्रेरण क्या होता है और ये सेक्शन 107 से लेकर के 120 तक डिफाइन किए गए हैं, 120 तक हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ तक के केस लॉ कुछ लोगों ने मुझे निकाल करके भेजे हुए हैं, जरा मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ कुछ लोगों ने मुझे भेजे हुए हैं। एक मिनट जरा लाइन पर रहिएगा प्लीज़। एक मिनट लाइन पर रहिए प्लीज़। गजेंद्र जी ने कुछ केस लॉ मुझे भेजे हुए हैं और ऋतु मैडम ने तो क्या भेजा है मुझे,
देखो मैडम ने भेजा हुआ है, इन्होंने आपने वो भेजे हुए थे क्वेश्चन आंसर लिख करके, ठीक है। चलो और किसने भेजे मुझे, और किसी ने भेजे कि आप लोगों में से किस लॉ की तरफ आप लोग बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हो? अच्छी बात नहीं है, नहीं सॉरी, ये अच्छी बात है कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, आपको ऐसा ही करना चाहिए, है ना। उससे पता क्या होगा, अगले एग्जाम्स में आप लोग पास नहीं होंगे, फिर से पढ़ने आना, फिर मैं तब तक फीस कर लूँगा 50-60 हज़ार रुपये। उससे आप लोगों का थोड़ा सा भला होना हो, लेकिन मेरा भला ज़रूर हो जाएगा। तैयारी कर लो कि अगली बार फिर आना यहीं पे। हाँ ज़रा ध्यान दीजिए, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, आप लोग अपना देख लीजिए कैसे करना है। वैकेंसीज आने वाली हैं, बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आप लोग केस लॉ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और आपको करना। चलिए, ये कुछ लोगों ने केस लॉ की तरफ मेहनत करके भेजे हुए हैं, उन लोगों को मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कौन से केसेस हैं ये। अच्छा, ये सेक्शन 34 से रिलेटेड इन्होंने मुझे भेज दिए हैं लिख करके। चलिए तो सेक्शन 34 को हम थोड़ी देर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कुछ केस लॉ यहाँ पर आए हुए हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये मैंने एक बुक के अंश लिए हुए हैं, आप लोग थोड़ा सा चाहें तो उस बुक में से ये सर्च कर सकते हैं सेक्शन इसमें लेकर के। जैसे एक महेंद्र पाल सिंह जी का केस है, और भी है राजेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश जैसे केस हैं, इनके लिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो एक सेकेंड रुकिएगा गाइस,